morning from Hassan Kazi. So today we are here with Mr. Kashif Saab. Kashif is a great friend of mine, a mentor of startups, and you know, a champion of emotional intelligence. And he's worked extensively with companies. He has his programs. So he invited us today to talk about emotional intelligence. So as I understand, emotional intelligence is the key to success and failure in an organization. And how should we really understand what emotional intelligence is, how we can apply it, and how it is the make or break factor of success in an organization. So sir, would you like to please comment on the role of emotional intelligence plays in startups and in generally in business and you know in all aspects of our life? Yes, of course. Thank you, Hassan Saab. I was about to narrate a few more things, but I would concentrate on emotional intelligence more. The success skills that we have sorted out are 14 to 15 skills of highly successful people. And emotional intelligence is the most important one in them. Understanding your emotional behaviors and others is the key for success. You have to understand that what makes you happy. You have to understand what makes you angry. You have to understand what makes you sad and what makes you enthusiastic. And then you have to remind yourself the occasions on which you were so happy, okay. The occasions on which you were sad, wow. The occasions on which you have been really, really thoughtful, so that you can understand the reasons behind them. Okay. And the same thing applies to your team as well. When you're working with a team, you must observe them keenly, at what buttons should you press to make them happy, to make them emotional. Okay. It's beautiful. So you're just playing with the person and you want, आप बेसिकली करना ये चाह रहे हैं. व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज रियली ट्राइंग टू गेयर द पर्सन फॉर द इमोशंस ही हैज बाय गिविंग हिम दैट एंथुजियाज्म, या इफ ही लैक्स एंथुजियाज्म बाय गिविंग हिम समथिंग टू बूस्ट हिज एंथुजियाज्म, बूस्ट हिज मोटिवेशन, बूस्ट हिज टीम बिल्डिंग और कोऑर्डिनेशन. हाउ डज इट रियली वर्क यू नो इन अ टीम ऑर्गेनाइजेशन? या अगर हमारे पास पांच लोग हैं, पांच मेंबर्स हैं, हाउ वुड यू, कैसे होगा ये, हम कैसे कर सकते हैं आपके ख्याल? इसके लिए जरूरी है, हम कुछ देर पहले गपशप के दौरान ये बात कर रहे थे कि हम लोगों ने सोचना छोड़ दिया है, हमने गौर करना छोड़ दिया. वी हैव स्टॉप पॉन्डरिंग, ओके, गोइंग डाउन द सर्फेस. ओके, गिव इट सम टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाट मेक्स देम डू लॉट्स ऑफ वंडरफुल थिंग्स. आपको इसी तरह अपने बच्चों के साथ भी तो करना होता है ना. या आप अपने बच्चों के पास बैठते हैं तो हम आप उसके मिजाज से वाकिफ होते हैं. हम मिजाज से वाकिफ होने की आदत छोड़ चुके हैं. राइट राइट राइट. जब तक हम मिजाज से वाकिफ नहीं होंगे, उस वक्त तक हम लोगों को ड्राइव नहीं कर सकते. लोगों की पर्सनैलिटी को आप जाने ना. बिल्कुल, वक्त लगे. पर्सनैलिटी को जाने, थोड़ा टाइम लगाएं जी. और जब आप अपनी टीम की पर्सनैलिटी को जान जाएंगे, जैसे मैं अपनी टीम की पर्सनैलिटी को जानता हूँ, लोगों को कि वो कैसा काम करते हैं, वो अगर पर्सनैलिटी के हिसाब से आप लोगों को जज करेंगे तो फिर मेरे ख्याल सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. क्योंकि सोचने के काम जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी लीडर का. ओके, सोचना. लीडर अगर सोचता नहीं है, अपने माइंड को फ्री नहीं रखता कि उसके पास नए आइडियाज आते चले जाएं और वो उनको लोगों तक पहुंचाता चला जाए ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सकें. आपको एग्जीक्यूट करवाना है किसी भी चीज को, तो आपको राइट पर्सन भी तो डिटरमाइन करना पड़ेगा. अच्छा काशिफ साहब, ये बताएं, आपके ख्याल में कि हर बंदे का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है दूसरे से? होना चाहिए, बिल्कुल. होता भी होता है ना. नो डाउट. तो अगर लेट्स से आपके साथ पांच लोग हैं टीम में, आप लीडर हैं, आपको आप क्या करेंगे उनके सोचने का अंदाज जानने के लिए कि कैसे बिहेव करेगा, मैं कैसे ट्रीट करूँ इसको ताकि मैं उसकी फुल पोटेंशियल जो है इस्तेमाल कर सकूँ, ताकि मुझे आउटपुट दे और हम सक्सेस की तरफ जाएं. तो जानने के लिए आपके पास मतलब कैसे आप जानेंगे, कोई टूल्स हैं आपके पास, या आप उनको बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, कैसे आप इसको? एक तरीका तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर ये रखा था कि व्हेन यू गेट अ बिट कैजुअल विद देम, ओके, अ बिट फ्रेंडली विद देम, ओके, गिव देम सम टाइम. लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट अ प्रोग्राम वी लॉन्च्ड
अ फ्यू इयर्स बैक, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशंस को ये बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशनल जो हेड है, यानी एक यूनिट का हेड है, वो रोज सुबह बैठकर 15-20 मिनट अपने एम्प्लॉयज के साथ गपशप करे, चाय पिलाए उनसे, उनके हाल चाल पूछे, राइट। इसके बाद उन सारे मैनेजर्स का जो हेड है वो वंस अ वीक बुलाए अपने सारे मैनेजर्स को और वो यही करे 15-20 मिनट सिर्फ चाय पिए अच्छा लगाए, फ्रेंकली बात करें। अच्छा, इसके साथ साथ करते करते आखिर सीईओ और ओनर तक बात चली जाती है। अगर उसने सारे एम्प्लॉयज को भी बुलाना है तो एक फिश बॉल में सबको हॉल में इकट्ठा करे और उनसे हालचाल पूछे, उनको चाय पिलाए, उनको थोड़ा बहुत सुविनियर्स दे दे, जिस तरह सुविनियर्स आप कस्टमर्स को देते हैं तो अपने एम्प्लॉयज को क्यों नहीं देते। हां, और दैट्स राइट, एंड दैट वर्क्स मैजिक बेसिकली, बहुत ज्यादा मैजिक है। ऑफ कोर्स सीईओ चलो वंस अ मंथ कर ले, लेकिन जो सेक्शन हेड्स हैं वो अगर वंस अ वीक कर ले, यू नो, सो दैट डिस्टिल्स ऑल द इमोशंस सारे निकल जाएंगे और यू नो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो एंथुसियाज्म है, यू नो उनके अच्छे पॉइंट्स को जो है बल्कि ये होगा, इसके साथ ये होगा कि एक लोअर लेवल एम्प्लॉय भी जो है अपने आप को बेचारा जो समझता है कि मैं बिल्कुल लोअर ग्रेड पे काम कर रहा हूँ, उसको ये पता है कि आई हैव एन एक्सेस टू द ओनर और द सीईओ, वर्ड मैं उसके साथ कैजुअली मिल सकता हूँ। ओके, तो आपके दरमियान से गैप्स खत्म हो जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है। अब इसके साथ साथ ये होता है कि जिस रिचर्ड ब्रांसन ने कहा है, वेरी वेल नोन की बात है कि ट्रीट योर एम्प्लॉयज लाइक योर बेस्ट कस्टमर्स। यस, जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो आपसे आपके साथ दिल से काम करने में मुश्किल महसूस करेंगे। एम्पैथेटिक लिसनिंग, जस्ट बाय लिसनिंग, ऑफ कोर्स। और फिर इसके साथ ये कि आपने जो कॉन्सेप्ट दिया है कलर ब्रेन का, या दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। ओके, इसको बल्कि आप खुद एक्सप्लेन करें। हाँ, ओके, थोड़ा सा मैं बात करूंगा कलर्ड ब्रेन की। यू नो कलर्ड ब्रेन एक टूल है जिसके जरिए नो वी कैन फाइंड आउट के जो ब्रेन है वो एम्बिग्यूटी रिलीफ कैसे लेता है ना, जैसे काशिफ साहब ने बताया, एंड आई एग्री विद दिस। वो ये फैक्ट है कि काशिफ साहब इज डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, बिल गेट्स इज डिफरेंट, समबडी एल्स इज डिफरेंट, यू नो पीपल आर डिफरेंट, एंड इफ वी कुड जस्ट प्रेडिक्ट द बिहेवियर, हमें अगर थोड़ा अंदाजा हो जाए कि ये बंदा कैसे बिहेव करेगा या ना कैसे ये इस सिचुएशन में इसको आगे लेके चलेगा, तो हमारे लिए टीम बिल्डिंग, हमारे लिए कल्चर को ठीक करना, हमारे लिए नेक्स्ट लेवल टीम डेवलपमेंट में लेके आना, गेमिफिकेशन करना इदारे की, वो बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज हमें पता होगा कि ये बंदा कैसे बिहेव करेगा, कैसे जो है ना इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, और आपस में दो बंदों को आप देखें, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास लेट्स से एक टीम ए है, टीम बी है। टीम ए में हमारे पास 5 लोग हैं, टीम बी में 5 लोग हैं। टीम ए में जो एक बंदा है मिस्टर एक्स, वो लो परफॉर्मर है, वो हर वक्त जनाब फटों में रहता है, फ्लाह में रहता है, ये करता है, वो करता है। उसको हम टीम ए से टीम बी में शिफ्ट करते हैं और वहाँ से एक बंदा जो है वो टीम ए में आ जाता है, यानी आपस में चेंज कर लेते हैं। वो बंदा जो लो परफॉर्मर है वो सडनली स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड ही बिकम्स अ हाई परफॉर्मर। अमेजिंग, आई हैव नोटेड दैट एंड आई थिंक काशिफ साहब हैज नोटेड दैट। यस, ऑफ कोर्स। एंड व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज इट्स द वे पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर। यस, दैट्स इंपॉर्टेंट। इट्स देयर कलर्ड ब्रेन, इट्स द वे द ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इट्स द वे हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू एक्ट एंड द अदर पर्सन रिएक्ट्स। बिकॉज याद रखें वो एक लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। यस, सो if you want to cut off, the other person will also cut off, right? Yeah. So remember कि आप अगर रीच आउट करेंगे, लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो लोग भी आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू कैन हैव हाई परफॉर्मेंस टीम्स। हाई परफॉर्मेंस टीम में ये है कि अगर आपके पास लेट्स से 100 पीपल हैं एक इदारे में और आपके पास अगर लो परफॉर्मेंस कल्चर है, तो 100 लोग सिर्फ 60 लोगों का काम करेंगे, सो आप 40 बंदों की प्रोडक्टिविटी वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास हाई परफॉर्मेंस कल्चर है, हाई परफॉर्मेंस टीम्स हैं आपके पास, तो जो 100 लोग हैं वो 144 का काम करेंगे, सो दैट्स नीली 50% जंप है। सो हमारा एम बेसिकली ये है कि हम टीम बिल्डिंग को उस एम पे ले जाना चाहते हैं बाय जो काशिफ साहब के टूल्स हैं, कुछ हमारे पास कलर्ड ब्रेन है, वर्क गेमिफिकेशन है, ऑल दीज थिंग्स हम करके और हम इदारे को यू नो हाईएस्ट लेवल परफॉर्मेंस के ऊपर लेके जा सकते हैं।